बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वोडाफोन और आइडिया से रिलेटेड बातें कर देंगे। जैसे कि आपको पता है, आज के दिन ही लगभग 25 से 30% तक का जंप उस शेयर में दिखा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और हमें करना क्या चाहिए? क्या ये कोई हमें फंसाने की कोई चीज़ तो नहीं है? ओके, तो ऐसी ही हम कुछ बातें करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपको ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, क्या डिलीवरी उठाई गई है, क्या क्वांटिटी ट्रेड हुई है? 1,56,18,42,483, इतनी क्वांटिटी में डिलीवरी ट्रेड की गई है इसकी, वोडाफोन और आइडिया की। इसके अलावा 38,14,47,478 कर, मतलब 24.42% की डिलीवरीज़ उठाई गई है आज की ही डेट में, केवल ये आज की डेट में। तो कितनी भारी भरकम यहाँ पर ट्रेडिंग में हुई है इस शेयर में, एज वेल एज कितनी भारी भरकम यहाँ पर लोगों ने डिलीवरीज उठाई है 25% तक की। तो जैसे कि मैं आपको सीधे वीडियो पर ले जाना चाहता हूँ, तो आप देखिए वोडाफोन और आइडिया का शेयर है आज के दिन ही लगभग 29, कह सकते हैं पूरा 30% तक की यहाँ पर जंप इस शेयर में देखी गई है, 30% तक की जंप। ये शेयर कितने रुपए का था? 9.90 रुपए का था। ओके, बट हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 12.85 रुपए का ये शेयर हो चुका है। 5 डेज का देख लीजिए पॉजिटिव, 1 मंथ का देख लीजिए पॉजिटिव, बट मैं आपको एक रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूँ। तो हम सीधे 5 ईयर्स का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पर आप 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ये शेयर 100 रुपीज़ के आसपास चलता था और इस तरीके से गिरा है। ओके, इसके पीछे की रीज़न, एवरीथिंग, आई थिंक मुझे सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये ऑलरेडी पता ही है कि ये शेयर क्यों गिरा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर कर्ज है, डिफरेंट बैंक का कर्ज है, जिस वजह से जिन बैंकों ने दिया है वो भी बैंक लगभग अच्छे खासे लेवल पर चल रहे थे और वो डूबने की कगार पे है। ओके, 50,000 रुपये का कर्ज, किसी ने अपनी नेटवर्थ का 15% दे रखा है, किसी ने 20% दे रखा है, किसी ने 10% दे रखा है, इतना भारी भरकम बड़े बड़े बैंकों ने इसे लोन दे रखा है। तो अब न्यूज़ आ रही है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेयर किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नीचे की तरफ कोई शेयर जा रहा है तो उसकी तरफ वो डूबती हुई नैया हो सकती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना हमेशा ही घाटा रहता है। बट एक न्यूज़ आई है, ओके, तो एक न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो देख लीजिए। US वायरलेस कैरियर वेरिजन, ओके, तो US की वायरलेस कैरियर वेरिजन एक करियर एक वेरिजन एक कंपनी का नाम है, एंड Amazon से तो सब वाकिफ है, ओके, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मे इन्वेस्ट मोर देन $4 बिलियन, लगभग 29,354 करोड़ रुपए वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फॉरेस्टेक ऑफ इन इंडियाज वोडाफोन आइडिया। तो ये एक न्यूज़ आज की डेट में ही आई है, ओके, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ऊपर ऊपर से पढ़ना बहुत बेकार रहेगा, घाटा भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, US वायरलेस करियर वेरिजन एंड Amazon मे इन्वेस्ट, मे का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद और शायद नहीं, ओके, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, कन्फर्म ये आया नहीं है, ना ही वोडाफोन आइडिया ने कन्फर्म किया है, ना ही इन दोनों कंपनी में से किसी ने कन्फर्म किया है कि हम वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडियाज, ओके। तो ऐसी ही न्यूज़ कुछ टाइम पहले वहाँ गूगल की तरफ से भी आई थी कि गूगल यहाँ पर 4 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा ही जंप तब भी देखा गया था, 2-3 रुपये का शेयर वह 8 रुपये 10 रुपये तक पहुँच गया था। तो ये न्यूज़ आती रहती है, ओके, ये न्यूज़ आती रहती है, तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ओके, तो Amazon शायद कर दे, क्योंकि बड़ी कंपनी है और $4 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर मोनोपोली ऑलरेडी रिलायंस और एयरटेल की है, तो शायद करके वो यहाँ पर टेलीकॉम का खुद मालिक बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो मे इन्वेस्ट यहाँ पर दे रखा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही एक और न्यूज़ आई है कि वोडाफोन आइडिया लुक टू रेज 1.5 बिलियन शेयर्स, तो इनकी बहुत जल्दी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सो दे आर लुकिंग टू रेज सम फंड्स, ओके, वो यहाँ पर कुछ फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं $1.5 बिलियन या फिर जितना भी, ताकि क्योंकि उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने
फैसला सुनाया था कि हाँ आपको पैसा देना पड़ेगा, 50,000 करोड़ रुपए है वो देना पड़ेगा, ओके, और हमें अभी चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, तो कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि हाँ हम आपको टाइम दे देते हैं, 10 ईयर्स का टाइम है, आप 10 ईयर्स में हमारे 50,000 करोड़ रुपीज़ आप दे दीजिए, हमारे मतलब जो जो बैंक्स के हैं, जिन जिन बैंक्स ने इन्हें लोन दे रखा है वो आपको देने पड़ेंगे, हम यहाँ पर पैसे कम नहीं कर सकते। ओके, पहले ही ये वोडाफोन आइडिया लगभग 15 ईयर्स का टाइम मांग रहे थे, 20 ईयर्स का टाइम मांग रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और अब उन्होंने केवल 10 ईयर्स दिया, और 10 ईयर्स में भी उन्होंने कंडीशन रखी है कि फरवरी की एक तारीख है, 7 तारीख 17 तारीख कुछ ऐसा, हर एक फरवरी में आप उन्हें 5,000 करोड़ रुपीज़ उन्हें लोन का देना पड़ेगा। ओके, तब भी हर साल 5,000 करोड़ रुपए देके उन्हें ख़त्म करना होगा, तो इसलिए वो फंड रेज कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस कंपनी को सरवाइव करवा पाए। तो ये सारी न्यूज़ है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं वोडाफोन में अमेजोन और वेरिजन नाम की कंपनी है, वो इन्वेस्ट कर सकती है भारी भर, इसी वजह से लोगों ने इस तरीके से इतना बेहतरीन यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी है। तो देखिए, न्यूज़ तो अभी आई नहीं है कंफर्म, ना तो कंपनी ने करी है, ना ही आइडिया और वोडाफोन की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया है, बस ये मीडिया से रिपोर्ट के थ्रू आया है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट अमेजोन या वेरिजन कंपनी कर सकती है, तो कोई भी कंफर्मेशन अभी आया नहीं है, बट लोगों ने 30% तक यहाँ पर डिलीवरी उठाई है, ट्रेड किया है। ओके फाइन, नो डाउट, ओके, एक दिन में 30% भागा भी है और शायद 2-3 दिन भागे भी, नो डाउट, बट आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये डूबती हुई नैया है, कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, तो आप इस तरीके से इस शेयर में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी। आप केवल अगर करना भी चाहते हैं, ओके, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि देखता है कि 12 रुपये का शेयर है, कितने रुपये का, 12 रुपये का, तो मैं 10,000 लगा देता हूँ, मैं 20,000 लगा देता हूँ, मैं 1 लाख लगा देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको बताना चाहता हूँ डूबती हुई नैया है, अगर पार लग गई तो लग गई, और नहीं लगी तो वो पैसा पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, पूरा ज़ीरो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें केवल इतना ही पैसा लगाइए कि कल को वो डूब भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी इस कंपनी से दूरी बनाए रखे, जब ये खबर सच हो जाए, ओके, जब वोडाफोन आइडिया की तरफ से या न्यूज़ आ जाए या फिर अमेजोन वेरिजन की तरफ से न्यूज़ आ जाए, ओके, तब इस कन्हैया में कूद जाना, इस ओके नदी में कूद जाना, इस समुद्र में कूद जाना, और शेयर बेशक से खरीद लेना, आपको घाटा शायद तब ना हो, तब शेयर काफ़ी हद तक आपका रिकवर भी हो जाए। तो काफ़ी सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, 12 रुपये देख के शेयर में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, ओके, और करना भी है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लगा दीजिए, ताकि आपको कल की ये ज़ीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो मेरी विनती तो इतनी है, यही मैं कह सकता हूँ। तो अभी ये कंफर्मेशन आया नहीं है, ओके, जब कंफर्मेशन आ जाए तब आप करिए, इनकी बोर्ड की मीटिंग भी है वो भी देख लीजिए, एवरीथिंग आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, न्यूज़ वाले भी आपको बताते रहेंगे, ओके, आप चाहेंगे तो मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बट अभी जो मेरा पर्सनल व्यू है कि आप अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें इस कंपनी में, ओके, और करना भी है तो 500 या 1,000 रुपीज़, जो भी आपकी इच्छा हो कि कल को वो जीरो भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ओके, क्योंकि कंपनी अगर अर्श फर्श पे आने में कभी देर नहीं लगती, कभी कभी भी हो सकता है। तो ये 12 रुपये का शेयर, अगर ये न्यूज़ गलत हो गई कल, तो ये कल कल ही की डेट में ही 5 रुपये 6 रुपये आ जाएगा, तो फिर आपको कितना बड़ा नुकसान होगा आप खुद देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, ओके, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ, ताकि हम इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।